एक और अहम खबर, अब बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की। लगातार नई बुलंदियां इसरो हासिल कर रहा है। अब इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। नया इंजन कच्चे माल में 97% की बचत करता है। इसके साथ ही प्रोडक्शन का वक्त भी 60% तक कम कर देता है। इसरो ने ऑफिशियली ट्वीट किया है कि पहला 3D रॉकेट इंजन तैयार कर लिया गया है। न सिर्फ तैयार कर लिया गया है बल्कि उसका सक्सेसफुल टेस्ट भी हो गया है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट कंडक्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो दुनिया में सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी 2 कंट्रीज के पास ही देखने को मिलती थी, एक तो अमेरिका और दूसरा चाइना। आपने 3D प्रिंटर से जूते, घर की सजावट का सामान या छोटे खिलौने बनाने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि लेजर की मदद से रॉकेट इंजन भी बनाया जाएगा? तो इसरो ने तब ये इतिहास रच दिया जब उसने लेजर 3D प्रिंटिंग तकनीक, जिसे एडविट मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, उसे निर्मित तरल रॉकेट इंजन का सफल टेस्ट परीक्षण। दोस्तों, आपको पता है कि जब रॉकेट का इंजन बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा वक्त उसी में लगता है। अगर हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसमें बात होती है कि इसमें 1 साल लगा है, इसमें इतना पैसा लगा है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो रॉकेट के इंजन में लगता है और उसी में सबसे ज़्यादा वो टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, 3D प्रिंटिंग के आने की वजह से, जब से रॉकेट इंजन 3D प्रिंटर से बनने लगे हैं, तब से ये टाइम पैसा दोनों कम हो गया। तो दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और वो करके दिखा दिया, जिसे देखते ही नासा, अमेरिका और चाइना के साइंटिस्टों के होश उड़ गए और ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे भारत ने इस नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर दिया और किस तरह से भारतीय संस्था इसरो ने अपना दमखम दिखाते हुए वो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस समय ये 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के बारे में, जिसे बनाया गया है, इसरो ने बनाया है। और ये इंजन 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनने वाला इंजन, अभी तक पिछले साल अमेरिका ने इसको बनाया था और 1-2 महीने पहले अभी चाइना ने बनाया था। दोस्तों, उन्होंने भी जो है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से रॉकेट इंजन बनाने की टेक्निक हासिल कर ली थी। लेकिन भारत की टेक्निक, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से लोगों से अच्छी रही है और बेहतरीन रही है। फिर वो किसी भी मामले में हो, अगर भारत ने टेक्नोलॉजी बना ली तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ना कि सिर्फ एक फायदा होता है कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी सक्सेस हो गई, सिर्फ यही फायदा नहीं होता है। भारत जब करता है तो उसमें सब चीजों का फायदा होता है। जैसे कि सबसे बड़ा फायदा तो आप देखिए कि भारत जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो देश दुनिया से सस्ती होती है, मतलब पैसा उसमें कम लगता है, लेकिन उसकी खासियत और उसकी क्षमता जो है सभी लोगों की टेक्नोलॉजी से बढ़िया होता है, बेहतरीन होता है। तो भारतीय साइंटिस्टों का ये बहुत ही बढ़िया एंगल है और इसको मतलब आप नकार नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या जो हमें पूरी दुनिया बेचकर उसको इस्तेमाल करना पड़े या हमें बहुत महंगे दामों पर उसको हथियार लेना पड़े और उसका इस्तेमाल करना पड़े। तो उस चीज को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक इतना सटीक और इतना बढ़िया चीज बनाते हैं कि वो ना ज्यादा पैसे वाला लगता है, ना ज्यादा उसमें कोई अंतर होता है। यानी कि अब जैसे अमेरिका और चाइना की टेक्नोलॉजी आई, उनका इतना पैसा $500,000 के आसपास में उनकी लागत है इस चीज में, और हमारे यहाँ मात्र 40 से 50 हजार डॉलर में ही ये काम हो रहा है। और टेक्नोलॉजी सेम है दोस्तों दोनों चीजों में, और जबकि हमारे यहाँ उनसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो लोग भी इस चीज को, इस पोस्ट को देखते ही चौंक गए। नासा भी चौंक गया, चाइना भी चौंक गया देख कर कि किस तरह से भारतीयों ने वही चीजें बना ली है जो हम बना रहे थे, जो अभी हमने लॉन्च किया उधर भारत ने भी बना लिया, ऐसा कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें देख कर सारी दुनिया हैरान हो रही है दोस्तों, यकीन मानिए। और जब ये ऐसा होता है तो हमें अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना लाजिमी सी बात है, इनको धन्यवाद देना चाहिए। और जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो सब कम है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है और जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट जो है तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही लगातार तरक्की करते रहें और इससे भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन टेक्नोलॉजियों के निजात करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं भारतीय साइंटिस्टों को। और चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना कतई ना भूलें।
गया। अमेरिका ने पिछले साल के एंड पे इस टेक्नोलॉजी को बनाया। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने पिछले महीने यानी कि अप्रैल में इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को बनाया। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ज्यादा जबरदस्त और आगे की टेक्नोलॉजी का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया है इस वक्त भारत ने। और चाइना और यूएस इस वक्त प्रॉपरली चौंक गए हैं, प्रॉपरली हैरान है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने आखिर तैयार कैसे कर। इसरो ने अपने तरल रॉकेट इंजन यानी PS-4 का सफल परीक्षण किया। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। PS-4 को आम बोलचाल भाषा में 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन भी कहा जाता है। PS-4 इंजन का इस्तेमाल इसरो के मुख्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट व्हीकल के ऊपरी हिस्से में किया जाता है। नया इंजन कच्चे माल में 97% की बचत करता है और प्रोडक्शन टाइम को 60% तक कम कर देता है। और दोस्तों, इसी को देखते हुए इसरो ने भी 3D प्रिंटिंग की दुनिया में कदम रखा है। तो ये यहाँ पे इसकी थ्रस्टिंग का टेस्ट भी किया जा रहा है और ये जो टेस्ट था दोस्तों, ये सक्सेसफुल था। इसीलिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आने वाले वक्त में, ठीक है, जो PS-4 लिक्विड 3D प्रिंटेड इंजन है, ये यूज होगा इनके मिशन में, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा गया है और इसके 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि हमें ना तो अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं और ना ही चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं। और वो 3 बेनिफिट्स में मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि इसमें टाइम को रिड्यूस किया गया है, 60% इसमें टाइम रिड्यूस हुआ है। और अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं तो 97% मेटल्स की यूजेज की भी रिडक्शन यहाँ पर की गई है, उसको भी रिड्यूस यहाँ किया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट, जो मेजर एडवांटेज हुआ है, वो यहाँ पर ये हुआ है कि बजट को भी रिड्यूस किया गया है, 80% बजट यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। बता दे कि आज से पहले इसरो ने PSLV के चौथे चरण में इस्तेमाल होने वाला PS-4 इंजन पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है। ये तरीके जटिल और काफी समय खपाने वाला काम था। कई मेटल के टुकड़ों को जोड़कर एक इंजन तैयार किया जाता था, लेकिन अब 3D लेजर तकनीक के आने के साथ इसरो ने एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। दोस्तों, PS-4 का मतलब होता है PS, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब 4 का मतलब होता है Stage 4, यानी कि आपने सुना होगा जब रॉकेट लॉन्च होता है उसके 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, तो वैसे 4 स्टेज होता है। तो जो चौथा स्टेज होगा दोस्तों, वहां पे जो इंजन यूज होगा वो क्या होगा, यही इंजन होगा जो 3D प्रिंट से बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले की बात करूं, जो पहले इंजन तैयार किया जाता था उस पर भारत का खर्च आता था लगभग $30 मिलियन का, 240 करोड़ का उस पर कम से कम खर्चा आता था। लेकिन अभी जो बजट लगा है उस बजट के मुताबिक 48 से 50 करोड़ के अंदर इस इंजन को तैयार कर लिया गया है। और चाइना और अमेरिका यही पूछ रहे हैं, इतने कम बजट में आपने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे तैयार कर लिया। इसरो ने कहा है, इस इंजन को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक इंजन पार्ट्स को संख्या में 14 से घटाकर 1 कर दिया है और 19 वेल्ड जोड़ों को समाप्त कर दिया है। इस डिजाइन ने हर इंजन को बनाने में कच्चे माल के तौर पर मेटल पाउडर के उपयोग को 565 किलो से घटाकर मात्र 13.7 किलोग्राम कर दिया है। वहीं इसे बनाने में लगने वाला समय भी 60% तक कम कर दिया गया है। जो देश है आज के वक्त में, लगातार प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो लगातार अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं, ठीक है, ताकि वो इंटरनेट दे सकें, बहुत सारे वो काम कर सकें, और देश भी लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और मार्केट जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो हमें चाहिए एफिशिएंसी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ नासा की, कि नासा के अंदर जब ये पूरा प्रोसेस होता है लॉन्चिंग वगैरह का, तो वो उसके लिए फाल्कन 9 का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो फाल्कन 9 को इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो बजट आता है वो होता है लगभग 550 करोड़ के आसपास का, जो कि एक बहुत भारी बजट होता है। हालांकि इस नई तकनीक में लेजर प्रिंटर के तहत मेटल के पाउडर को परत दर परत जमा कर पूरा इंजन बनाया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष यान के लिए जरूरी अंगों को लेजर से सीधे प्रिंट किया जा रहा है। दरअसल लेजर तकनीक के इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। पहला तो ये कि ये ट्रेडिशनल तरीके की तुलना में कहीं ज्यादा तेज है, और इसरो का दावा है कि लेजर तकनीक से इंजन बनाने में लगने वाला समय 60% तक कम हो जाता है। 3D प्रिंटिंग इंजन के सफल परीक्षण के बाद PSLV कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राह आसान हो गई है।
इस तरह से इंजन का उपयोग पीएसएलवी के पहले चरण में भी किया गया है। कि ये रीयूजेबल उनका व्हीकल है और जो वो अदर रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, एसएलवी इस्तेमाल करते हैं, जब उसकी लॉन्चिंग होती है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है, तो उस पर 2000 करोड़ का बजट आता है। और नासा इसीलिए हैरान है कि हम लोग तो 2500 करोड़ इतना बजट लगाते हैं, इन्होंने 48 से 50 करोड़ के अंदर हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे तैयार कर। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे कच्चे माल की मात्रा में काफी ज्यादा कमी आती है। पारंपरिक तरीके से एक PS4 इंजन बनाने में 565 किलोमीटर की जरूरत होती है, जबकि लेजर तकनीक से बने इंजन में केवल 13.7 किलोमीटर पाउडर का उपयोग होता है। इससे न सिर्फ केवल लागत कम होती है, बल्कि पर्यावरण पर भी बोझ कम होता है।